हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं ज्यादा केस को देखते हुए हिमाचल सरकार ने शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने का ऐलान किया है। जरूरत का सामान जैसे दूध, दही, फ्रूट और मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी और बाकी सभी दुकानें बंद रहेगी। सोलन जिला में रात्रि कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उससे उनका सारा कामकाज ठप हो गया था और अब 2 दिन के लॉकडाउन से उनके कामकाज पर काफी असर पड़ेगा। परंतु सरकार के इस आदेश को भी वे मानेंगे क्योंकि कोरोना के रोकथाम के लिए हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की टीम गठित कर ली गई है और जो भी नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। कहना तो सर क्या है, पहली हमारी वो पूरा लॉकडाउन की वजह से मतलब जो है बिजनेस पूरा ठप हो चुका है और अब ये जो 2 दिन दुकानें बंद होंगी तो उनमें भी तो पहले काम नहीं आई, इससे तो और मंदी की हालत छा जाएगी सर मार्केट में। तो प्रशासन जो क्या बोलते हैं वो लॉकडाउन लगा रहा है तो कोरोना की केसेस काफी बढ़ रहे हैं तो उनको आपको नहीं लगता कि भाई सरकार को भी कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे? सर देखो ऐसा है कि प्रशासन की तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि तो सरकार जो भी कदम करेगी वो जनता के हित के लिए करेगी, है ना। तो उसके लिए हमें भी सरकार को कॉपरेट करना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी करना पड़ेगा तो कॉपरेट तो करना ही पड़ेगा। जैसे उनके ऑर्डर है वो उसको हम फॉलो करेंगे, सीधी सी बात है। शनिवार और रविवार को लेकर सरकार की राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें गैर जरूरी जो सभी प्रतिष्ठान व्यावसायिक इंस्टीट्यूशन और जो ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी। तो इसके लिए हमने सिर्फ दूध, दही और जो दैनिक जो आवश्यकता की सामग्री है, फार्मासिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए, इनके अलावा सारी दुकानें अन्य सब बंद रहेगी और सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपना स्टॉक इसी हिसाब से खरीदें ताकि शनिवार रविवार को उनके कोई पेरिशेबल आइटम का नुकसान। इसी के साथ हमने जो सब्जी मंडी लगती है शाम की वो वहाँ अधिक भीड़ होती है और उससे कोविड फैलने का खतरा है तो उनको आगामी आदेश तक बंद कर दिया है। सर उद्योगों के लिए क्या आदेश है जैसे आते हैं? सर उद्योग जो है फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल से लेकर जो सारी इंडस्ट्रीज है वो उसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन उनके कर्मचारियों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो बाजार या अन्य जगहों पर ना घूमे, बस सीधा प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान से घर और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से घर, ये इसी को रूट को फॉलो कर। जैसे सर को लेबर जाती है कोई काम करने के लिए तो उनके लिए गाइडेंस? तो लेबर को अपने आईडी कार्ड या अपनी जो एम्प्लॉयर की सूचना देने पर किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा, लेकिन वो अगर कहीं बैठे हुए मिलते हैं या कहीं अपने ऑफिस से अलग रास्ते पर मिल जाते हैं तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई अमल में लाएंगे।